गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज सैटरडे। आज हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? ईएनवी। ईएनवी का चैप्टर नंबर 17। ईएनवी चैप्टर नंबर 17। ओके, अभी लास्ट वीडियो में हमने कौन सा चैप्टर किए थे? चैप्टर नंबर 16 किया था, बी सेफ। उससे पहले हमने क्या किया था? चैप्टर नंबर 15 ट्रांसपोर्ट। तो चैप्टर नंबर 15 ट्रांसपोर्ट हमने अच्छी तरह से व्हीकल्स के बारे में पढ़ा था, उसके एक्सरसाइज की थी, फिल इन द ब्लैंक्स किया था। तो आप उसको रिवाइज करते रहिए, मैं नए रिवीजन वाले वीडियो में भी आपको चैप्टर्स एक बार रिपीट करती जाऊंगी। ओके, तो चैप्टर नंबर 15 में हमने क्या पढ़ा था? व्हीकल्स पढ़े थे, ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। ओके, और चैप्टर नंबर 16 में हमने कल पढ़ा था बी सेफ। क्या पढ़ा था? बी सेफ। आज हम चैप्टर नंबर 17 करेंगे। व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ? व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ, कौन कौन सी चीजें किससे बनती हैं? व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ चैप्टर नंबर 17। व्हाट आर थिंग्स, व्हाट आर थिंग्स made of, made of। क्वेश्चन, ओके, तो हम एक एक चीज लिखेंगे, उसके चार टेबल बनाएंगे। दिस इज एन एप्पल स्पून, इट इज मेड ऑफ वुड, इट इज ब्राउन। आपने स्पून आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं, आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम जब खाते हो तो वो लोग पार्लर वाले कभी आपको प्लास्टिक की देते हैं स्पून, और कभी आपको लकड़ी की भी देते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज एन आइसक्रीम स्पून, इट इज मेड ऑफ वुड, इट इज ब्राउन। और जो वो वुड होती है वो कैसी होती है? ब्राउन होती है। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज एन आइसक्रीम की स्पून, इट इज मेड ऑफ वुड, वुड की भी बन सकती है, और हमारी आइसक्रीम की जो स्पून होती है वो प्लास्टिक की भी बनी होती है। दिस इज ऑल्सो एन आइसक्रीम स्पून, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, और वो किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की भी बनी होती है और वुड की भी बनी होती है। प्लास्टिक स्पून्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, प्लास्टिक स्पून्स होती हैं वो डिफरेंट अलग अलग कलर्स की होती हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो एन आइसक्रीम स्पून, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक स्पून कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, और वो कई कई अलग अलग कलर्स की होती है। दिस इज ए स्पून यू यूज टू ईट योर फूड, इट इज मेड ऑफ मेटल। और जो हम खाना खाने में जो स्पून यूज़ करते हैं वो किसकी बनी होती है? मेटल की। वो किसकी बनी होती है? मेटल की। दिस इज ए स्पून यू यूज टू ईट योर फूड, इट इज मेड ऑफ मेटल, इट इज शाइनी एंड वेरी हार्ड। और वो कैसे होती है? शाइनी यानी चमकदार होती है और हार्ड भी होती है। जैसे लकड़ी की हमने स्पून खाई, दांत से कट किया तो वो टूट जाती है, प्लास्टिक की भी टूट जाती है, लेकिन जिस स्पून से, मेटल के स्पून से अगर हम फूड खाते हैं उस वो स्पून हमारी इजीली नहीं टूटती है, वो कैसे होती है? वेरी हार्ड होती है। ओके, तो दिस इज ए स्पून यू यूज टू ईट योर फूड, इट इज मेड ऑफ मेटल, इट इज शाइनी एंड वेरी हार्ड। तो लेकिन आइसक्रीम स्पून इज मेड ऑफ, नंबर वन डालेंगे आइसक्रीम स्पून, आइसक्रीम स्पून इज मेड ऑफ, इज मेड ऑफ वुड। इसकी बनी होती है वुड की भी बनी होती है, और किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है, और वो इजीली टूट सकती है। ओके, तो आइसक्रीम स्पून इज मेड ऑफ वुड, इट इज ब्राउन, इट इज, इट इज ब्राउन, इट इज ब्राउन। दिस इज ऑल्सो एन आइसक्रीम स्पून, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक स्पून कैन बी डिफरेंट कलर, और आइसक्रीम स्पून जो होती है इज मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। आइसक्रीम स्पून इज
मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक भी बने होते हैं ना, प्लास्टिक, इट इज डिफरेंट कलर, इट इट कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, वो कैसे होते हैं डिफरेंट कलर्स होते हैं, इट इट कैन बी, इट कैन बी डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स, ओके। तो और दिस इज अ स्पून यू कैन यूज टू ईट योर फूड, और आप अपने खाने के लिए जो स्पून यूज करते हो वो किसकी बनी होती है, मेटल की। तो स्पून दिस इज ए स्पून यू यूज टू ईट फूड, eat your food, it is made of metal, वो किसकी बनी होती है, metal की, it is made of metal, it is made of metal, it is shiny and very hard, it is shiny, 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 सबकी स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए, it is shiny and very hard, it is shiny and very hard, ओके। ये काम कंप्लीट हो गया, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 17 में क्या है, व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ, कौन सी चीज कैसे बनाई जाती है, तो आइसक्रीम स्पून इज मेड ऑफ वुड, इट इज ब्राउन, आइसक्रीम स्पून इज मेड ऑफ प्लास्टिक, इट कैन बी डिफरेंट कलर, वो कैसे होती है, डिफरेंट कलर्स होती है, दिस इज ए स्पून यू यूज टू ईट योर फूड, और खाने खाते टाइम आप जो भी स्पून को यूज करते हैं वो किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है, इट इज शाइनी एंड वेरी हार्ड, और वो कैसे होती है, चमकीली होती है और बहुत हार्ड होती है, तो देख लीजिए फिर नेक्स्ट करते हैं। तो आज समय में लगभग 20 मिनट है ना, वहां के
रेस्पोन चार्ट ये लिखा है, व्हाट इज मेड ऑफ वुड प्लास्टिक मैटर हैवी और लाइट, ब्रिक्स इजीली टू नॉट हार्ड और सॉफ्ट, शाइनी और डल, ये आप कर लीजिएगा ठीक ना। फिर आता है इन नंबर्स ऑफ थिंग्स आर मेड ऑफ वुड प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो वुड की भी बनी होती है, प्लास्टिक की भी बनी होती है और मेटल की भी बनी होती है। फाइंड अदर थिंग्स इन योर होम और क्लासरूम विच आर मेड आउट ऑफ वुड प्लास्टिक और मेटल। आपको ये लिस्ट बनानी है कि कौन सी चीज़ें वुड से बनी होती है, कौन सी चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती है और कौन सी चीज़ें मेटल से बनी होती है। ये आपको एक पूरी लिस्ट बनानी होगी। ओके, वुड से जैसे स्पून बनता है, स्पून बाउल भी बनते हैं वुड के, चेयर बनती है, टेबल बनती है वुड के, थिंग्स मेड ऑफ वुड। तो वुड से हमारी क्या क्या चीज़ें बनती हैं, टेबल, चेयर, पेंसिल, पेंसिल भी वुड से बनती है ना, और प्लास्टिक नहीं, ऐसे कप भी आते हैं वुड के, छोटे छोटे कप, कोई डेकोरेटर आइटम भी आता है वुड का। थिंग्स ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की बकेट होती है, मग होता है, मग वाटर वो होता है, प्लास्टिक की प्लेट्स होती है, डिनर सेट होता है प्लास्टिक का। ओके, थिंग्स आर मेड ऑफ वुड तो प्लास्टिक एंड मेटल, फाइंड अदर थिंग्स इन योर होम और क्लासरूम। आप भी अपने कौन कौन सी चीज़ें वुड से बनती हैं, कौन कौन सी चीज़ें प्लास्टिक से बनती है और कौन कौन सी चीज़ें मेटल से बनती है, उसके हमें लिस्ट भी बनाएंगे ठीक है। सम थिंग्स आर नॉट मेड ऑफ वुड प्लास्टिक और मेटल, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्लास्टिक और वुड और मेटल से नहीं बनती हैं। रबर बैंड एंड इरेजर्स आर मेड ऑफ रबर, रबर बैंड जो हम बालों में भी लगाते हैं, रबर बैंड से हम जो भी गलत हो जाता होता है उसको इरेज करते हैं, तो वो किसके बने होते हैं, रबर बैंड्स एंड इरेजर्स आर मेड ऑफ रबर, वो किसके बने होते हैं, रबर के बने होते हैं। रबर कैन बी इजीली बेंड, इट इज कैन बी स्ट्रेच, रबर बैंड जो होता है वो इजीली क्या होता है, बैंड हो जाता है, कैसा होता है, बन जाता है, बैंड हो जाता है। तो रबर बैंड एंड इरेजर्स आर मेड ऑफ रबर, रबर कैन बी इजीली बैंड, इट कैन बी स्ट्रेच्ड, और हम देखा है रबर बैंड जो हम पैकेट्स में बांधते हैं, किसी भी चीज़ में बांधते हैं, वो ऐसे खींच जाती है, ऐसे भी हो जाती है, बैंड भी हो जाती है, स्ट्रेच भी हो जाती है। ओके, योर बुक इज मेड ऑफ पेपर, और आपकी जो बुक होती है वो किसकी बनी होती है, पेपर की बनी होती है। पेपर इज वेरी थिन, इट कैन बी इजीली टर्न, और पेपर बहुत पतला होता है उसको हम टर्न भी, जैसे ये नोटबुक है इसको हम टर्न कर लेते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं, तो बोले कि इट कैन बी इजीली टर्न। ओके, रबर बैंड्स एंड इरेजर्स आर मेड ऑफ रबर, रबर कैन बी इजिली बैंड, इट इज कैन बी स्ट्रेच्ड,
इट इज कैन बी स्ट्रेस्ड. योर बुक इज मेड ऑफ पेपर, पेपर इज वेरी थिन, इट इज इट कैन बी इजिली टर्न, और वो इजिली टर्न हो जाता है. देखिए बोर्ड प्लास्टिक है, उसके आप लिस्ट बना लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जब रिविजन कराएंगे तो उसमें लिख के आएंगे. रबर बैंड Your book is made of paper. Cloth is also paper is very thin. It is be easily turned. और paper जो होता है वो easily turn हो जाता है. Your clothes are made of cloth. Your कपड़ा जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? कपड़े के बने होते हैं. Your clothes are made of cloth. Cloth is also thin. कपड़े भी जो होते हैं वो पतले होते हैं, but it cannot be turned easily. पर वो easily turn नहीं हो सकते हैं. That is why your clothes are made of cloth and not paper. आपका कपड़े जो है वो कपड़ा है, ना कि वो पेपर है. 3 नंबर पे लिखेंगे your clothes
योर क्लोज आर मेड ऑफ क्लोथ इज ऑल्सो थिन बट इट कैन नॉट बी क्लोथ इज ऑल्सो थिन इज ऑल्सो थिन बट इट कैन नॉट बी But it cannot be done.